क्यों जंग हो रही है? दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री जी इस तरह झगड़ते हुए नजर आते हैं जैसे मोहल्ले के लड़के लड़ते हैं, ये पूरे देश के डेमोक्रेसी में बड़ा खराब मैसेज आता है। कभी किसी झगड़े की पहल कोई सभ्य इंसान नहीं करता। अरविंद का उस वक्त तजुर्बा भी कम था और इसलिए मेरे ख्याल उनमें एक अग्रेशन था। देश के हालात पिछले कुछ समय से बहुत खराब हुए हैं, कम्युनल टेंशन बनी बड़ी है, धार्मिक उन्माद बढ़ा है, लोगों के बीच में दूरी बढ़ी है। इस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत आपसे मुलाकात करते हैं और पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय होती है कि नजीब जंग और मोहन भागवत के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। कितनी देर गुफ्तगु रही होगी आपकी उनकी? 1 घंटा 45। कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमने कोई चीज बंद कमरे में छुप के की हो या किसी के कोई हमारी नीयत में कोई वो हो, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं, एक बड़ा तबका कहता है कि नजीब जंग जी को उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल बनना है, इसीलिए वो संघ की पैरोकारी कर रहे हैं। इसलिए मुझे सरकार में इस वक्त काम करने की कोई इच्छा है नहीं। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिंदगी में अगर कभी आपको एक ऐसा शख्स मिल जाए जिसके बारे में आप ये सोचें कि काश मैं भी ऐसा होता। तकदीर वाले लोग होते हैं जिनको ऐसे शख्स मिला करते हैं। मैं 30-35 साल की जिंदगी में मैं दर्जनों IAS अफसरों से मिला हूँ, मेरे घर जैसे संबंध भी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, लेकिन मैंने एक बेहतरीन IAS अफसर, उसके कई रूप, जिस शख्स से आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ उसके जितने रूप हैं वो मैंने देखा नहीं। एक किताब है मेरे हाथ में, अभी बाद में जिक्र करूँगा, इस किताब का नाम है दीवाने गालिब और इसको भी एक IAS अफसर ने लिखा है। उस दौर के IAS अफसर, उस पीक पर रह के नौकरी करने वाले IAS अफसर तो आमतौर पे रिटायर होने के बाद ज़िंदगी के गुमनामी में खो जाते हैं, मगर कुछ IAS अफसर ऐसे होते हैं जिनकी योग्यता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं ऐसे एक शख्स से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिन्होंने डॉक्टरेट की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, थिएटर के बहुत बढ़िया आर्टिस्ट रहे हैं, 7 ऐसी किताबें लिखी हैं जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होती है। और अब अगला पर्चा बताता हूँ, वो दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हैं और उपराज्यपाल भी बहुत धूम धड़ाके वाले उपराज्यपाल, केजरीवाल से खूब नोकझोंक तकरार वाली खबरें आती रहती थी। और जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो मुझे उस शख्स की याद आई। तो मैं अब ज़्यादा भूमिका ना बना के मैं आपको नजीब जंग साहब से मिलवाता हूँ जो मेरे साथ है। नजीब सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे शख्स हैं ना जो हम लोगों के ख्वाब में रहा करते थे कि एक IAS अफसर, इतने पीक पर रहने वाला अफसर, जो नाटक भी कर रहा है, जो किताबें भी लिख रहा है, और आपकी ज़िंदगी किसी के लिए भी शोध का विषय है। मैं भी आप इतने एक्टिव हैं, इतने संगठन चला रहे हैं, ये सब कैसे करते हैं आप? आपने तारीफ ज़्यादा कर दी, इतनी ज़रूरत नहीं थी। नहीं भाई, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। मेरा रिटायरमेंट होके भी अब 12-13 साल हो गए और उसके बाद मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे सरकार ने वाइस चांसलर बना दिया जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो मैं समझता हूँ इतनी नौकरी की शायद सबसे अच्छा काम वही था। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना, एक यूनिवर्सिटी चलाना, क्योंकि इंसान बच्चों की तकदीरें बदलता है। बिल्कुल। और तो उसमें एक बड़ा नायाब अवसर था। उसके बाद तकदीर ने करवट ली। और एक सेकंड, आप जब वाइस चांसलर थे तब भी आप प्ले करते थे ना, एज वाइस चांसलर भी आपने वहाँ नाटक किया है ना, जामिया में बड़ी चर्चा है ना, आप अकबर, कोई एक नाटक बड़ा चर्चित हुआ था, आपको कौन सा था? वो उसका नाम तो अकबर सलीम था और मैंने अकबर का रोल उसमें किया। अकबर का, आप लुक वाइज लगते भी थे स्मार्ट है ना। अच्छा, फिर आप बता रहे थे। फिर कुछ किस्मत ने दौर पकड़ा और यह बदला और मुझे दिल्ली का राज्यपाल, उपराज्यपाल बनाया, जहाँ मैं 4 साल रहा। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि वापस एकेडेमिया में जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ या बच्चों के साथ वक्त इस्तेमाल कर सकूँ। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरी दो बेटियाँ हैं अमेरिका में, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके साथ भी कुछ वक्त मिल सके। उपराज्यपाल रहते हुए तो ये मौका मिलता नहीं था, मतलब साल में अगर हफ्ते भर के लिए चले जाते थे तो बहुत था। तो अब इतने साल के बाद 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ। एक
यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रोफेसर का पद है और वहीं हमने एक थिंक टैंक शुरू किया है जिसको आप रिसर्च सेंटर कह सकते हैं। ओके, किस किस विषय में करते हैं आप लोग रिसर्च? वो है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ओके, हम एशिया की जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उन पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमारे आपस के नेबर्स हैं, उनमें तो हमारे इख्तलाफात है ही हैं, वो तो पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन इसके अलावा पानी के इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, कास्ट इश्यूज हैं, इन सब पे रिसर्च करने का इरादा है। तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। और एक तीसरी चीज़ शुरू की थी जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो मुल्क में बात विवाद, हाँ मैं अभी इस पे आऊँगा, पहले एक चीज़ और शुरुआत करना चाहता हूँ, चूँकि आज दिल्ली का माहौल बड़ा गर्म है और मैं आया भी इसीलिए था, सुशी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, आप जब थे तो ये आग आपकी लगाई हुई, आप केजरीवाल जी को रोज टाइट किया करते थे, क्यों जंग हो रही है? दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री इस तरह झगड़ते हुए नजर आते हैं जैसे मोहल्ले के लड़के लड़ते हैं, ये पूरे देश के डेमोक्रेसी में बड़ा खराब मैसेज आता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ संजय, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने दौर की बात कह सकता हूँ कि कभी किसी झगड़े की पहल कोई सभ्य इंसान नहीं करता, और हमारी तरफ से कभी भी कोई पहल नहीं हुई। हमने सिर्फ, मैं उनको अरविंद कहता था और अब भी अरविंद कहता हूँ, कि मैंने अरविंद को एक छोटे भाई की तरह देखा था और हमेशा उनको समझाने की कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो विवाद था वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे था कि अगर कोई चीज़ वो ऐसी करना चाहते थे जो मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ थी तो मैं उसको रोकता था। अरविंद का उस वक्त तजुर्बा भी कम था और इसलिए मेरे ख़्याल उनमें एक अग्रेशन था, तो वही आपको एक विवाद के तौर पे दिखा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि बदमजगी हो। आपको याद होगा कि मुझ पर तो बहुत टिप्पणी हुई थी कि पराठा डिप्लोमेसी हमने की थी, क्योंकि जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे और वो डायबिटिक हैं तो मुझे भी चिंता थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक तो भूख हड़ताल पे बैठना नहीं चाहिए, हड़ताल पे ही नहीं बैठना चाहिए, और दूसरी बात ये कि उसकी सेहत पे कोई असर नहीं करना चाहिए। तो जब मुझे अगले दिन मौका मिला कि उनकी तबीयत निढाल है तो हमने पहल की और फिर उनको खाना पहुंचाया, उनकी सेहत भी ठीक हुई और उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ा। अब मैं आज के मुख्य मुद्दे पे आता हूँ नजीब साहब, जो जिस बात को लेके पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। देश के हालात पिछले कुछ समय से बहुत ख़राब हुए हैं, कम्युनल टेंशन बनी बड़ी है, धार्मिक उन्माद बढ़ा है, लोगों के बीच में दूरी बढ़ी है। इस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत आपसे मुलाकात करते हैं और पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय होती है कि नजीब जंग और मोहन भागवत के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। नहीं, भागवत साहब ने पहल नहीं की थी, पहल मैंने की थी। एक तो ये सच लोगों के सामने आना चाहिए, वो बहुत बड़े शख्स हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे लोगों के लिए वो पहल करके बात करें। और मैंने ये पहल की थी एक चंद दोस्तों के साथ 2019 अगस्त में, क्योंकि हमने महसूस किया था कि हालात ठीक नहीं हैं और यद्यपि संघ शायद पूरी हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी बात सुनी जाती है, और एक हद तक ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सरकार में उनका हस्तक्षेप है और असर है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि भागवत साहब से बात की जाए और बहुत ही अच्छे वातावरण में बात हुई और कोई छुपी हुई बात नहीं थी। हमने अपनी बात ये रखी कि देश में मुसलमानों में एक खौफ है और ये वक्त है कि आपकी आवाज़ लोगों के बीच में जाए कि हिंदू समाज मुसलमान का बड़ा भाई है और मुसलमान की बहबूदी, उनकी भलाई आपकी भी जिम्मेदारी है। ये बात उनके सामने हमने रखी थी और मैंने उनसे ये कहा था कि दो लोगों की आवाज़ें देखिए हिंदुस्तान भर में सुनी जाती है, एक आपकी आवाज़ है और एक प्रधानमंत्री जी की भी आवाज़ है।
तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ये स्टेटमेंट दें लोगों को कि आप बड़े भाई हैं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं स्टेटमेंट दूंगा, और उसका नतीजा है कि आपने देखा कि 2021 में 22 में उन्होंने कई बातें भी की जो नई थी। मैंने उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व का कोई अस्तित्व नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग न ढूंढें, तो ये कुछ तो असर हुआ ही था। लेकिन 2019 के बाद कोविड का एक दौर आया और हमारी वो बातचीत, ये तय हुआ था कि हम फिर मिलेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। संजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि एक मुलाकात या दो मुलाकात या पांच मुलाकातों में इतनी बड़ी बात का कोई हल निकल आएगा। हाँ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें दो मुलाकातें होंगी या 25 मुलाकातें होंगी, और क्या क्या सजेशन और सोल्यूशन निकलेंगे ये तो देखने की बात है, और निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक बात है। तो दूसरी चीज, मैं कोई मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी नहीं करता, मैं इलेक्टेड आदमी नहीं हूँ, ना मैं सेलेक्टेड आदमी हूँ, लेकिन प्रगतिशील मुस्लिम में आपकी गिनती की जाती है। इनिशिएटिव लिया था कि मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए, तो ये बात खत्म हो गई और 2.5 साल निकल गए। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं हर साल जाता हूँ अमरीका, एक छोटा सा कोर्स भी वहाँ पढ़ाता हूँ, और मेरे बच्चे हैं। तो इस बार मई और जून का महीना है जब वो नूपुर शर्मा वाली घटना हुई थी, और हमने देखा कि मुसलमान समाज में भी एक उत्तेजना है और उसका रिएक्शन हिंदू समाज से भी हुआ है, और दोनों तरफ से जो रिएक्शन और एक्शन थे वो उचित नहीं थे, वो हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं। तो मैंने उनको फिर खत लिखा अपने वही दोस्तों की राय से, और हम पांचों ने कौन थे पांच में, मेरे कलीग हैं, सर्विस के IAS अफसर हैं, मुझसे सीनियर हैं, कुरैशी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जमीरुद्दीन शाह साहब हैं जो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, एक शाहिद सिद्दीकी साहब थे जो नई दुनिया अखबार चलाते थे, और सईद शेरवानी साहब हैं जो फिलान्थ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो हम लोगों ने मिल के फिर ये खत लिखा, और जब आपकी मुलाकात थी भागवत जी से तो आप पांचों लोग साथ थे। हम पांचों लोग पांचों लोग भागवत साहब ने हमें एक महीने भर के अंदर वक्त दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे ही दिल्ली आता हूँ आप फिर मिलिए। कितनी देर गुफ्तगू रही होगी आपकी उनकी? 1 घंटा 45 मिनट, लगभग 2.25 घंटे। फिर आपने दोबारा खत लिखा, फिर क्या हुआ? तो इसीलिए वही 1.25 घंटे की बातचीत हुई उनसे, हम लोग गए वहाँ और फिर हमने अपनी बातें लिखी, उन्होंने अपनी बातें कही, दोनों तरफ से गुफ्तगू हुई, और हमने ये महसूस किया कि कुछ वाद विवाद जो है वो इतना गंभीर नहीं है कि सुलझाया नहीं जा सकता, और कुछ मुद्दे हैं। ये आपको लगा कि गंभीर नहीं है या ये उनकी सोच थी कि गंभीर नहीं? उनको भी लगा, हमको भी लगा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम आसानी से सुलझा सकते हैं समाज के बीच में जाके। कंफ्यूजन है, एक गलत फहमी है कि अगर मैं आपसे कोई बात कह दूं और मैं समझता हूँ कि उसको उसकी गलत फहमी मैं आपसे जल्दी से दूर कर सकता हूँ तो वो हो जाता है। तो बहरहाल ये जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम इस चीज़ को और बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने 4 नुमाइंदे का नाम दिया, बहुत सीनियर संघ के लोग, और हमने कहा कि हम लोग जाएंगे, और ये तय हुआ कि फिर हम वक्तन पर वक्तन हिंदुस्तान के विभिन्न मुल्कों में जाके हिंदुस्तान के अलग राज्यों में जाके आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे जाके गुफ्तगू करेंगे कि देखिए भाईचारे की बात की जाए, दोस्ती की बात की जाए, और जो हम में इख्तलाफ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। तो ये जब बात हुई तो हम लोगों ने, क्योंकि जो आप कह रहे थे कि हमने और गुफ्तगू नहीं की, हमने सोचा कि अब हम इसको ज़रा विस्तार से मुस्लिम समाज के जो सीनियर लोग हैं उनसे बातचीत करें। आफ्टर ऑल मैंने कहा कि हमारी तो कोई हस्ती है नहीं, तो और मुसलमान समाज में सीनियर जो क्लेरिक्स हैं, उलमा हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए। तो हमने जमीयतुल उलमा से बात की, हमने जमीयतुल हिंद से बात की,
हमने अजमेर शरीफ में जाके बात की, हमने आके लखनऊ में नदवे में बात की, और हमने प्रोफेसर से, टीचर से, डॉक्टर से, लेक्चरर से, सबसे बात की, और फिर एक इसी कमरे में जहाँ बैठे हैं हमने एक मीटिंग की, जहाँ पर 15-20 लोग आए और संघ से भी आए और ये लोग भी आए। और इंटरेस्टिंग बात यह कि वो मीटिंग हमारी 4 घंटे चली और फिर से खुल के बात हुई, जिसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने कोई चीज़ बंद कमरे में छुप के की हो या किसी के कोई हमारी नीयत में कोई वो हो, ये ऐसा नहीं था। वो लोग भी मौजूद थे, हिंदू मुसलमान उलमा भी मौजूद थे, संघ वाले भी मौजूद थे, और फिर ये तय हुआ कि भाई और बढ़ाया जाएगा बातचीत को। तो ये इस वक्त है। लोग कहते हैं, एक बड़ा तबका कहता है कि नजीब जंग जी को उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल बनना है, इसीलिए वो संघ की पैरोकारी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही कॉमन गुफ्तगू है और घटिया बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैंने तो उपराज्यपाल से इस्तीफा दिया था, तो अगर मुझे रहना ही होता तो वो इस्तीफे का नहीं हुआ। और फ्रेंकली मुझे सरकार में इस वक्त काम करने की कोई इच्छा है नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने और काम हैं कि मैं उनसे अपना ध्यान बांट नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपने नवासों के साथ जाके वक्त इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे 2-3 महीने लगते हैं।